हसीना मलिक को करिश्मा सिंह नहीं उस ट्रस्टी के यहाँ बुलाया था हमें पकड़वाने के लिए। शिवानी, करिश्मा सिंह गद्दार है। सही कहा सारा भी, हम गद्दार हैं। हम ही है वो आसिम का सांप जिसने हसीना मलिक को वहां बुलाया था ताकि वो आप सबको पकड़ सके। खुद के पैर पे गोली खाया हाँ, और हसीना मलिक को हमारे पीछे लगाया और हमारा जो भी प्लान था ना उस पर पानी फेर दिया हमने। हम ही है गद्दार। सही कहा आपने सारा भी। पता है आज हसीना मलिक को पता चलने वाला था कि हम चिंगारी गैंग से मिले हुए हैं। सफेद झूठ। एक और प्रपंच, गोली इसके पैर में ना लगी है, गोली तो यो हम सबने दे रही है। अरे सब बकवास कर रही हो, कोई गोली वोली ना लगी है इसने। लगता है यो नकली घाव दिखा के तू झूठ को सच बना देगी, और अगर तेरा यो घाव असली है तो दर्द भी असली होगा। बिन्नी छोड़ उसे। बिन्नी मैंने कहा छोड़। बंद करिए चंगलीपन अपना। दिख नहीं रहा तुझे, कोई भी बता देगा कि ये घाव भी असली और दर्द भी। माफी मांग उससे। सुना नहीं तूने? सॉरी बोल इसको। सॉरी। जाने दे करिश्मा सिंह, माफ कर दे उसे। टेढ़ी खोपड़ी की है जरा। खैर अच्छी बात तो यह है कि हसीना मलिक के तू हाथ नहीं लगी, वरना तेरा ये राज कि तू चिंगारी गैंग के साथ मिली हुई है हसीना मलिक को ऐसे पता चल जाता। समझ में तो मुझे ये नहीं आ रहा है कि हसीना मलिक को हमारे बारे में कैसे पता चला। किसने बताया उसे? किससे पता चला ये तो हम तुमको बता सकते हैं, पर कैसे पता चला ये अभी भी राज है। किसने बताया? हमारे गोपनीय सूत्रों ने हमें बताया है कि ये बात मैडम सर को चीते चतुर्वेदी ने बताई है। चीता? वो तेरे थाने का हवलदार? वही। पर बात ये है कि ये बात चीता तक कैसे पहुंची? ये तो क्या कर रहा है हमारे फोन के साथ? आओ, पानी गिर गया था ना तो देख रहे थे चल रहा है कि नहीं। हमारा भी फोन आ गया, बताइए ना। हो ना हो, चितेश्वर ने हमारे फोन पे कुछ किया है जिससे उसे हमारी सारी बातें पता चल गई। उसको कैसे पता चला? इस बात का पता लगाना होगा। कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि यहां से लीक हुआ है वो इंफॉर्मेशन। कोई है जो यहां का सारा इंफॉर्मेशन चीता तक पहुंचा रहा है। गद्दार बाहर नहीं, गद्दार घर के अंदर है। बेहुदा लड़की, अपनी बकवास बंद कर। तू
वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चिंगारी संगठन की बुनियाद भरोसा है और तू उसी में दरार डालना चाहती है। दरार पड़ चुका है सर, अभी हम बस मरम्मत का प्रयास कर रहे हैं। कहीं दरार इतना ना बड़ा हो जाए कि चिंगारी गैंग ही ले डूबे, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। चिंगारी गैंग को हम कुछ नहीं होने देंगे, ये हमारा वादा है तुमसे शिवानी। तो फिर ढूंढ कर लेकर आओ उस गद्दार को मेरे पास। मुझे धोखा बर्दाश्त है, धोखेबाज नहीं। जरूर लेकर आएंगे, तुम्हारे सामने यहाँ पे पड़ा होगा। अभी हम थाना जा रहे हैं, फिर पता लगाते हैं कि कौन है आस्तीन का साहब, और फिर तुम्हारे सामने उसको नागिन डांस करवाएंगे। तेरी तो चीते चीते, क्या हो गया? कोई बुरा सपना देखा क्या? कितनी बार कहा है चीते ड्यूटी पर सोया मत करो। चाय पियोगे? चाय बोल कर आते हैं, हमने भी चाय नहीं पी। मैं आ गया माँ, 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 तुम्हारा सुपर हीरो माँ, मैं बिली द मैन माँ। माँ जहाँ पे होता है न्याय अब्सेंट, वहाँ पे होता है बिली द मैन प्रेजेंट। उड़ाने आ गया है मुजरिमों का सुख चैन, माँ आ गया है बिली द मैन। माँ माँ कोई परेशान नहीं दिख रहा है माँ। ए बाबरी निठंदे, तू परेशान है? बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है, मैं दूर करूंगा तुम्हारी परेशानी। हमारे पेट में गैस का ज्वालामुखी फटा जा रहा है, आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, मुंह से बोल नहीं पा रहे, कान से सुनाई नहीं दे रहा, हार्ट नहीं चल रहा, करोगे इलाज हमारा? करो। किस चमगादड़ का अंडा चाट के आए हो तुम्हें, क्या बने फिर रहे हो? माँ माँ ये बुरा है माँ, इसको बुरी दुनिया में डालो माँ। बिल्लू चुप करो। चीते तुम अभी भी उस लड़की के बारे में सोच रहे हो? तुम्हें बुरा लग रहा है बिन्नी के बारे में सोचकर? कहीं दुश्मन से दिल तो नहीं लगा बैठे? जिस बिन्नी का आप बात कर रही है ना, कौन है वो दुश्मन खेमे की है पुष्पा जी? उसके और हमारे बीच में खाली एक ही रिश्ता संभव है, जुर्म और हथकड़ी का, दूसरा कोई नहीं। देखिए उसका फोन भी आ गया पुष्पा जी। हाँ? बिन्नी का कहा बोल? एक मिनट उसको उठा। नहीं, 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 फोन नहीं उठाना। मैडम सर ने क्या कहा है? तुम्हारा काम इतना ही था ना, बिन्नी से चिंगारी गैंग के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाना, तो वो हो गया है। अब जो कुछ भी करेंगे मैडम सर करेंगे, फोन मत उठाना, बात मत करो उससे। हाँ चीते, उसका नंबर ब्लॉक कर दे, ना रहेगा बम्बू ना लगेगा तंबू। एक मिनट रे, रक्त पिशाच, एकदम नहीं, बिल्कुल भी नहीं रे। नहीं, इतना आसानी से कोई घर का तौलिया इस्तेमाल करके नहीं फेंकता, जैसे हमको बिन्नी को निकाल कर फेंकने के लिए बोल रहा है। कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हुआ है चीते? निठल्ले तुम उसको चाहने लगे हो, इसीलिए उसका नंबर नहीं ब्लॉक कर रहा है ना माँ? माँ सुपर हीरो करेक्ट बोल रहा है ना माँ? चुप करो ना, बकैती कर रहे हो कब से, और कितना झूठ बोलोगे तुम चीते? तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि तुम बिन्नी के बारे में कुछ और ही सोच रहे हो। हमको नहीं पता हम क्या सोच रहे हैं पुष्पा जी, एक बात जो हमको पता है वो ये है कि दुश्मन से लड़ा जाता है, उसको धोखा नहीं दिया जाता। जो इंसान आपसे प्यार करता है, जो इंसान आप पर भरोसा करता है, जो इंसान आपको अपना मानता है, उसको तो कम से कम धोखा बिल्कुल नहीं देना चाहिए ना पुष्पा जी। वो बिन्नी हम पर भरोसा की और हम उसके साथ विश्वासघात किए पुष्पा जी, बस इसी बात का हमारे अंतर मन में ना द्वंद चल रहा है और उसी का बोझ नाम से सहा नहीं जा रहा है पुष्पा जी। निठल्ले ज्यादा मत सोच, इसका कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि अब तक बिन्नी को तूने जो प्यार में धोखा दिया है वो पता चल चुका होगा। हटो, क्या हो रहा है, हट जाओ। बिन्नी बिन्नी सुन सुन मेरी बात। क्या करे बेटा, क्या हुआ, क्या हुआ बोल तो सही। आगे जाता ही हमारी बुद्धि फेरी हुई है, मैं सब कुछ फोड़ डालूंगी, हट जाओ। छोड़ छोड़ संतोष, अब तो तुम लोग जाओ ना, वो काम करो अपना, जाओ सब ठीक है, यहाँ जाओ। सुन मेरी बात, क्या हुआ? मैंने कहा था ना दाई, हर किसी के लिए कोई ना कोई बना है। जरूरत है तो बस उसे समझने की, पहचान की, उसे भरोसे की। कहा तो था, कहा तो था किया ना मैंने भरोसा, बदले में क्या मिला मुझे? हमारी फीलिंग्स, हमारा भरोसा, उन सब को कूट काट कर अपने मतलब का फार्मूला बना डाला उसने दाई। कौन, किसकी बात करी? और कौन दाई, वो हवलदार चीता चतुर्वेदी, और कौन?
चीता वो तुझे कहाँ मिला? अरे ताई, वो चीता ही चीतेश्वर है, सारा ऑनलाइन वाला लड़का। वादा कर चीतेश्वर, तू कभी किसी को इस रिश्ते के बारे में ना बताएगा, खासकर अपने उन थाने वालों को। फिर भी मैंने उस पे भरोसा किया ताई, मैंने उसे प्यार किया, पर वो सब कुछ ना था ताई। वो मुझसे कोई प्यार व्यार ना करता है ताई, वो सब धोखा था, विश्वासघात था ताई। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ इसलिए था ताकि वो चिंगारी गैंग के अंदर आके हमारे से इन्फॉर्मेशन ले सके। ये क्या किया तूने बिन्नी? अरे वो चीता दुश्मन है हमारा, और दुश्मन पे कैसे भरोसा किया जा सकता है? कम से कम हमें तो बता दिया होता, शिवानी को पता चलेगा ना तो भूचाल आ जाएगा। शिवानी को पता चल चुका है सारा भी। जैसा कि हमने तुमसे कहा था शिवानी कि तुम्हारे गैंग की गद्दार को हम तुम्हारे सामने रखेंगे, तो ये है वो गद्दार, वो मुजरिम, वो आस्तिन का सांप जिसने सारा इन्फॉर्मेशन चीते के थ्रू मैडम सर तक पहुंचाया है। बिन्नी, क्या ये सच है? शिवानी, अरे क्या हो गया तुझे? इससे ऐसा सवाल तू कर ही कैसे सकती है? अरे ये बिन्नी है, हमारी बिन्नी, इस पे शक कर रही तू? मुझे इससे बात करने देता ही। बिन्नी, कुछ पूछ रही हूँ मैं तुझसे, मेरी आंखों में आंखें डालकर कह मुझसे कि क्या ये सच है, क्या तू और चीता मिलते थे? क्या हसीना मलिक हमें पकड़ने के लिए आई थी, क्या ये बात तूने चीता को बताई और चीता ने हसीना मलिक को? जवाब दे मुझे बिन्नी, क्या ये बात सच है? शिवानी, भाई तुला पण ही माहिती होता, क्या तू जानती थी कि मेरे पीठ पीछे ये और चीता एक दूसरे से मिलते? जवाब दे मुझे ताई, क्या ये सच है? नहीं, हमें भी अभी पता चला, लेकिन इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। इस बेचारी को तो पता ही नहीं था कि वो कमीना हवालदार अपनी खुद की पहचान छुपा के इससे मिल रहा है। इसने तो ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि वो ऑनलाइन दोस्त वही चीता हवालदार है। अरे इसने खुद धोखा खाया है शिवानी। नहीं नहीं, धोखा हमारे साथ हुआ है, हमने अपनी जान जोखिम में डाली और इन सब की जान बचाई, पैर पे गोली हमने खाया है, अपनों से छल हमने की और बदले में हमें क्या मिल रहा है? सारा भी के शक का जहालत, हमें विश्वासघाती का मेडल मिल रहा है जबकि जो गद्दार है वो गोदी में बैठ के बुट्ठे छिल रहा है। सुन, तू इस तरह जहर उगलने की कोशिश मत कर। ताई, अरे ये भड़का रही है तुझे, तू होश में आ, अपनी आंखें खोल, खेल खेल रहे हमारे साथ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब विश्वासघात करे कोई और खेल हम खेल रहे हैं, धोखा दे कोई और हम भड़का रहे हैं। इसने अपने निजी स्वार्थ के लिए सबको धोखा दिया है यहाँ पे और नाम हमारा लगाया जा रहा है। बहुत बढ़िया शिवानी, तुम बीच में मत बोलो, हम तीनों चिंगारी गैंग के पिलर से स्तंभ है। अरे हमारे आपस की बात है, हम देख लेंगे, तू जा। ताई, गुनेगार चाहे जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिन्नी ने क्या किया है और क्या नहीं वो तो चिंगारी की अदालत में फैसला लिया जाएगा, लेकिन अभी के लिए बिन्नी आरोपी है और किसी भी आरोपी को कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती। इसीलिए मैं बिन्नी को इस पद से हटाती हूं। और जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता तब तक बिन्नी की जगह करिश्मा लेगी। ये बनेगी हमारा तीसरा पिलर।
सौभाग्य है हमारा शिवानी, हम प्राण दे देंगे लेकिन चिंगारी गैंग के मान सम्मान को बनाए रखेंगे। जान देना पड़े लेकिन लेकिन चिंगारी गैंग का स्वाभिमान कभी नहीं झुकेगा, ये वादा है हमारा। भरोसा है मुझे तुझ पर, जा जा के रेस्ट कर, थक गई होगी। ये हुआ चिंगारी गैंग का पहला विकेट डाउन। करिश्मा सिंह सच में बहुत अच्छा काम किया है आपने। चिंगारी गैंग की नींव पर ये हमारा पहला वार है, बहुत जल्द ये पूरी की पूरी इमारत चूर चूर होकर गिर जाएगी, ये गैंग हमेशा के लिए खत्म, और ये सब आपकी वजह से हो पाया है, इसलिए थैंक यू वेरी मच एंड अ फैंटास्टिक जॉब। अच्छा हमें लगता है कि अब आपको कुछ दिनों के लिए आराम करना चाहिए, आपके घाव भर जाएं, थोड़ी सी आप ठीक हो जाएं, उसके बाद वापस आ जाइएगा, अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो हम आपको बताएंगे। जी जय हिंद। मैडम सर ये वो फाइल जो आप मंगाई। हाँ थैंक यू, और एक बात, गुड जॉब, बहुत अच्छा काम किया तुमने। हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल रहा होगा, लेकिन अगर तुम बिन्नी से दोस्ती का नाटक नहीं करते तो वो कभी एक्सपोज नहीं होती, और अगर वो एक्सपोज नहीं होती तो करिश्मा सिंह चिंगारी गैंग में उसकी जगह नहीं ले पाती। अभी अभी हमारी उनसे फोन पर बात हुई है, उन्होंने चिंगारी गैंग को ज्वाइन कर लिया है, बहुत जल्द ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, और इस सब की शुरुआत तुमसे हुई है, सो गुड जॉब। हमें थोड़ा सा काम है, अगर तुम चाहो तो घर जा सकते हो। थैंक यू मैडम सर, जय हिंद। जय हिंद। लिटले चिट ई करे ई का है चिता, आई नो तुम्हें बिन्नी का गम खाए जा रहा है, लेकिन गम खाने से पेट नहीं भरेगा। मैं भी नहीं कुछ खाया, इसीलिए मैंने ये पर ये भजिया लाया है, तू मैं और ये तीनों मिलके बैठते हैं, चल। चेंज करके आते हैं, हाँ बदल के आते हैं, रुक रुक। यहाँ पे क्या कर रही हो? जान लेने आई हूँ तुम्हारी, आज तुम बचने का ना है हमारे से। पागल हो गई हो तुम, गोली चलाओगी हम पर तुम, हैं? जानती हो कहाँ पर खड़ा हो, थाना में खड़ा हो, और थाना में गोली चलाने का मतलब समझती हो तुम? मरे को कोई परवाह नहीं है, समझा तू? आज मैं तने मार डालूंगी, धोखेबाज। अरे ये कौन सी फाइल लाने के लिए कहा था हमने, और कौन सी फाइल हम ही देखते हैं। चीता घर चला गया। छोड़ मैंने, मार डालूंगी आज मैं तने, चीट डालूंगी, फाड़ डालूंगी। मारना चाहती हो ना, मार दो, लेकिन यहां पर नहीं, यहां पर हमारे साथ साथ तुम भी मरोगी। आओ हमारे साथ, हम तुमको बताते हैं हमको मारने के लिए कौन सा जगह बेहतर होगा। जाता ना, होशियार बनने की जरूरत नहीं है, समझा?
अपना आने वाली हूँ मैं तारे छलावे में। प्रपंच रच के भागना चाहता है ना तू? भागना चाहता है? किससे भागना चाहता है? दुनिया वालों से कि तुमसे? पता है बिन्नी, हम सबसे भाग जाएंगे, खुद से भागकर कहाँ जाएंगे यार? ये हमारा अंतर मन का द्वंद है, हमारा खुद का लड़ाई खुद के साथ। और भागने का कोशिश किए भी तो तुम्हारे पास है ना जी, तो यहाँ पर टाइट लगा के रखो, तो इसे तुमको लगे कि हम भागने की कोशिश कर रहे हैं ना, ठपाक से ट्रिगर दबा देना। चल। हाँ तो ठीक है, चलो। चिट्टे, आजा भाई। ये चिट्टे का पेग अकेला ही मैच करना चाहिए। बाप रे, चिट्टे, I'm so sorry, मैंने तुम्हारा पेग भी पी लिया। शुरू से शुरुआत करेंगे। कुछ नहीं पिया मैंने, कुछ नहीं पिया। ये अभी नया पेग तुम्हारा और ये मेरा। अभी किसी ने कुछ पिया नहीं है। चिटे चिटे निकल ले, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ बाहर। सब रेडी है, पेग रेडी है, चकना रेडी है। बस तुम रेडी होने के लिए कहाँ गए पता नहीं, आ जा। घर चला गया होगा। घर कैसे जा सकता है वो? मतलब हम तय किया था बाहर बैठेंगे, ड्रिंक पियेंगे। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक बहुत ही तेज। तो वो उसने कहा कि चेंज करके आता हूँ। क्यों, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका तुम्हारे साथ ड्रिंक्स पीने का मूड ना हो, किसी और के साथ पीने का हो। No? ये दुपट्टा यहाँ कैसे आया? ये तो लड़की का है। ये दुपट्टा मरून कलर का, ये चिंगारी गैंग की औरतें ज्यादा पहनती है ऐसा। हाँ लेकिन चिंगारी गैंग की कोई भी मेंबर यहाँ इस वक्त क्यों आएगी, क्या काम? बिन्नी, कहीं बिन्नी चीता से मिलने तो नहीं आई? बिन्नी, कहीं बिन्नी को पता तो नहीं चल गया कि चीता हमारे साथ मिलकर उसे धोखा दे रहा था?